तू हेल्प करवाओ मम्मा के साथ। इसके करने वाले काम नहीं हैं? है, इसके क्या, इसके करने वाले काम नहीं है। तो आप बताओगे तो करेगा ना, वो तो बेचारा कहता रहता है कि मुझे सिखाओ कुछ ना कुछ। हाँ जी, आप ये तो तो सिखाते हम नहीं। हमारी जान खाता रहता है कि मुझे काम करवाओ, इसे काम करवाओ। हाँ जी, शाना आज आपने तो उधर रखा है कि नहीं? शाना ने रात को रोल बनाए तो थे, बनाए थे ना आपने, रोल की सारी पैकिंग इसी ने तो की है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको फर्स्ट रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, रमजान का चांद भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बस शाम हो रही है, तकरीबन 4 बजे हैं, तो मैं बस जल्दी जल्दी से तैयारी कर रही थी। तो ये मैंने रोल बनाए हैं थोड़े से आलू चिकन और सूजी के, और साथ में ये थोड़े से समोसे फ्राई करने लगी थी, और ये मैंने स्ट्रॉबेरी की चटनी निकाली है, और ये साथ में जो है ना मैंने सैंडविच जो है ना ये बनाने हैं, वेजिटेबल सैंडविच है, वेजिटेबल और मैकरोनी। इसका मतलब कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मटेरियल लगाऊंगी मैं इसके अंदर, ये मटर है, मैकरोनी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, चिकन है, बंद गोभी है, ये सब कुछ इस तरह से ना, क्योंकि आपको पता है कि फ्राई चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा खाने से ना वो स्टमक का इशू होता है, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि इसको सैंडविच मेकर में बना लूँगी, क्योंकि इससे कम से कम इसमें ऑयल तो लेना होगा। और ये चलो फ्राई कर लूँगी फिर, मैंने कहा ये देखें जी, ये दारा ने बनाए हैं, ये है क्या, ये पोटैटो रोल है, पोटैटो रोल, ठीक है, बहुत मजे के। तो बस टाइम होने वाला है अफ्तारी का, इनको कब बनाना है? बस इसके बाद ये डालती हूँ ना, सार डाल लो, सार आप डालते जाओ। आप देंगे लोगों, बस समोसे फ्राई हो रहे हैं, रोल तो हो चुके हुए हैं, ठीक है, नहीं मेरे वेजिटेबल समोसे चिकन वेजिटेबल। अच्छा जबरदस्त, दही भल्ले जो है ना वो भी तैयार हो गए, ठीक है। तो बाकी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हम भी थोड़ा सा तैयारी शारी जल्दी भी करवा रहे हैं। आपको पता आजकल गैस का इशू बहुत ज़्यादा है, तो हमारी तो गैस ही चली गई थी जिसकी वजह से काफ़ी मसला हुआ है, लेकिन अब बस अफ्तारी में 15 मिनट है, लेकिन बस ये होने वाला है, हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने मेरे दुआ में बहुत ज्यादा याद रखना, आपको भी मिल जाता है। ये बस हमने सिंपल से इफ्तारी बनाई है, ठीक है। तो जी व्यूवर्स, तो आज आपको रमज़ान की पहली इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो, तो और हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब हम मगरिब की पढ़ने लगे हैं नमाज, क्योंकि नमाज पढ़ने की लेट, और जज़लान लोग हैं ये भी वजू करके नमाज पढ़ रहे हैं, आप भी चलें जी, तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।